गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग। ओके, तो जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग, जो कि क्लास 8 का 5th चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा हैंडलिंग से पहले हम जानते हैं कि आखिर डेटा होता क्या है। कोई भी जो हमारे पास सूचनाएँ मिलती हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम डेटा कहते हैं। अब डेटा एनालिसिस या फिर डेटा हैंडलिंग कहाँ काम आता है? जैसे किसी भी देश की जो भी राष्ट्रीय आय होती है, या फिर किसी भी ऑफिस का या फिर किसी भी राज्य का जो भी खर्चा होता है, वो सब डेटा एनालिसिस या फिर डेटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग में ही हम इसको सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम डेटा। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन, वो डेटा हो गया। डेटा जो है दो टाइप के होते हैं, जैसे कि जो पहला होता है उसे बोलते हैं रॉ डेटा। अभी रॉ डेटा क्या होता है? जो पहला है वो है रॉ डेटा। अब रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा वो होता है जो हमें किसी भी सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे कि माना मैं क्लास में अगर एक बच्चे से कुछ बच्चों से पूछूं कि बताओ तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तो जो ये मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे 5 मार्क्स हैं, एक ने कहा सर मेरे 6 मार्क्स हैं, एक ने बोला सर मेरे 2 हैं, एक ने कहा मेरे 3 हैं, एक ने बोला मेरे 4 मार्क्स हैं। तो मैंने कहीं से एक डेटा लिया और उसे सीधे लिख दिया, तो वो क्या होगा? एक रॉ डेटा। उसके साथ मैंने कोई भी सिस्टमेटिक या डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में उसको नहीं लगाया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रॉ डेटा। जो रॉ डेटा होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या हुआ? प्राइमरी डेटा उसे बोलते हैं जो कि मैं खुद इकट्ठा करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला कि जाओ आप क्लास में जाओ और बच्चों के मार्क्स पूछ के आओ। तो मैंने यहाँ पे क्लास में आया और बच्चों से पूछा कि बताओ तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। वहाँ पे जो है 5 बच्चे थे, उन बच्चों ने अपने मार्क्स ये बताए, तो वो मार्क्स मैंने पता किए और मैंने खुद कॉपी में नोट किए। तो ये जो डेटा आएगा ये प्राइमरी डेटा है। अब मैंने यही डेटा प्रिंसिपल सर के पास ले गया कि सर ये जो है मार्क्स बच्चों के हैं, तो उनके लिए ये डेटा सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो खुद क्लास में नहीं आया पता करने, उन्होंने क्या किया मुझसे पता किया। तो ये डेटा मेरे लिए प्राइमरी डेटा है और उनके लिए क्या है? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड जो टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं अराइव्ड डाटा। सेकेंड अराइव्ड डेटा। अराइव्ड डेटा क्या होता है? अराइव डेटा वो होता है जब मैं किसी रॉ डेटा को सिस्टमेटिक फॉर्म में लगाता हूँ और उससे जो मेरे को मिलता है वो है अराइव डाटा। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये कोई अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, मतलब ये डिसऑर्डर में है। तो इसको मैं थोड़े सिस्टमेटिक वे में लगाता हूँ, इसको मैं बढ़ते हुए क्रम में लगाता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ। तो सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और ये 6। जब मैं किसी डेटा को सिस्टमेटिक वे में लगाता हूँ तो उससे जो मेरे को मिलता है वो अराइव डेटा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ होता है कि हम किसी भी डेटा को हम पिक्चर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई लड़की है, वो क्या करती है मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। माना ये 3 दिन का उसका रिकॉर्ड है कि माना वो यहाँ पे 10 एप्पल खाती है और यहाँ पे 20 एप्पल और यहाँ पे माना 30 एप्पल खाती है। तो हम क्या करते हैं, इसी डेटा को हम पिक्टोग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि वन एप्पल इक्वल टू 10 एप्पल, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? देखो 10 एप्पल मतलब 10 एप्पल कितना दिखाता है? एक एप्पल दिखाता है, तो मैंने यहाँ पे एक दिखा दिया। तो 20 को कौन दिखाएगा? 2 एप्पल दिखा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना? 3 एप्पल दिखा देंगे ऐसे। तो किसी भी डेटा को हम पिक्चर के माध्यम से या पिक्चर के अकॉर्डिंग हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो होता है वो क्या होता है? वो पिक्टोग्राफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम वो बार ग्राफ देख रहे हैं। अब बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ जो होता है, हम किसी भी डेटा को हम ग्राफ से दिखाते हैं। जैसे कि आप सबको को पता होगा कि
इसको y एक्सिस कहते हैं और इसको x एक्सिस, ठीक है। तो हम बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे कि माना बताया गया है कि बच्चों के जो नंबर हैं वो माना अमन के हैं, अमन के नंबर 10 मार्क्स हैं, रिया के 20 मार्क्स हैं और जो अरविंद है अरविंद के माना 25 मार्क्स हैं। तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बार ग्राफ में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गैप बना देते हैं, यहाँ पे हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं अमन के मार्क्स शो करूँ तो अमन के मार्क्स कितने हैं, 10 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अमन को 10 तक ले जाऊँगा, ऐसे ये ग्राफ बना दिया अमन और यहाँ पे लिख दिया अमन कि ये अमन के मार्क्स कितने हैं 10। अब रिया के कितने हैं 20, तो मैं क्या करूँगा ये ग्राफ 20 तक जाएगा ऐसे 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगी रिया, ठीक। अरविंद के कितने मार्क्स हैं 25, तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ तक जाएगा 25 तक और मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे लिख दूंगा अरविंद, ठीक है। तो किसी भी डेटा को हम अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे जो बनता है वो क्या बनता है, वो बार ग्राफ बनता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, एक ही ग्राफ में हम दो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि ईयर दिए गए हैं बॉयज़ और गर्ल्स। जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि जैसे 2011 में किसी क्लास में 10 लड़के थे और 5 लड़कियाँ थी, 2012 में 5 लड़के 15 लड़कियाँ, 2013 में 10 लड़के और 15 लड़कियाँ, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हम कैसे कि किसी भी दो डेटा को मैं एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, उससे जो बनेगा वो डबल बार ग्राफ बनेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ग्राफ था उसमें हम केवल एक ही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि बॉयज़ को रिप्रेजेंट करते, एप्पल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे इस तरह से, पर यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे हम इस ग्राफ में, ठीक है। देखें कैसे, 2011 में उसमें कितने बॉयज हैं 10 हैं, तो यहाँ पे 10 तक ले गए ऐसे, ठीक है, ये ले गए, ठीक है। अब बॉयज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, तो मैं बॉयज को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक, अच्छा। और उसी 2011 में कितनी लड़कियाँ हैं 5, तो यहाँ पे ऐसे ले डालो ये 5, और जो उसमें रिप्रेजेंट कर रही है लड़कियाँ वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं ऐसे। तो मैं इससे क्या पता चल गया कि 2011 में लड़के तो 10 थे और लड़कियाँ कितनी थी 5। अच्छा 2012 में देखते हैं, 5 लड़के तो सिर्फ यहीं तक, ये 5 लड़के, तो लड़के ऐसे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वहाँ देखो बॉक्स में, और जो लड़कियाँ कितनी हैं 15 हैं, तो यहाँ तक मैं इसको ले गया ऐसे ये, और जो लड़कियाँ वो ऐसे रिप्रेजेंट की जा रही हैं। तो देखो एक ही ग्राफ में मैं दो दो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको बार ग्राफ डबल बार ग्राफ कहते हैं। तो 2013 में देखें, 2013 में कितने लड़के हैं 10 लड़के हैं, तो यहाँ पे जाएगा ये लड़के हो गए, ठीक है, और लड़कियाँ कितनी हैं 15, तो 15 लड़कियाँ, और लड़कियाँ जो हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट की जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डबल बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास टेलीमार्क। अब टेलीमार्क क्या होता है, इससे पहले जो तुम्हारी पिछली क्लास थी उसमें भी तुम पढ़ चुके हो टेलीमार्क क्या होता है, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको टेलीमार्क क्या होता है। टेलीमार्क जो होता है वो ऐसे मार्क होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है मुझे जो कि रॉ डेटा है। क्यों है रॉ डेटा, क्योंकि ये कोई भी सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं लगा रखा है, ठीक है, तो ये रॉ डेटा है। तो टेलीमार्क क्या चीज़ होती है, एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी डेटा कितनी बार यूज़ किया गया है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे यहाँ पे ए यूज किया गया है, बी सी और डी यूज किया गया है। अब देखूंगा मैं यहाँ पे कि ए जो है कितनी बार यूज किया गया है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे ए 3 बार यूज किया गया है,
बी को देखता हूँ, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 बार यूज किया गया है। सी कितनी बार यूज किया गया है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 बार यूज किया गया। डी देखते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 बार यूज किया गया। तो ए जो है 3 बार यूज किया गया है, बी 4 बार, सी 4 बार और डी भी 3 बार यूज किया गया। तो जो ये नंबर्स है ना, ये इन अल्फाबेट्स की फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए को 3 बार यूज किया, बी को 4 बार यूज किया, ये फ्रीक्वेंसी है। अब टेलीमार्क क्या होता है, टेलीमार्क क्या होता है कि इन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मार्क बनाए गए हैं, उनको टेलीमार्क कहते हैं। जैसे कि 3 को मैं ऐसे यूज करता हूँ, 1, 2, 3, 4 को कैसे यूज करूँगा, 1, 2, 3, 4, 4 को 1, 2, 3, 4 और 3 को 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3। अगर 4 से ज़्यादा हो, अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ माना 5 को, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 और 5। अगर मैं 7 को यूज़ करूँ, 7 को टेलीमार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर हो गया। जैसे 12 देखते हैं, 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे टेलीमार्क, क्लियर। नेक्स्ट जो देखते हैं वो हम देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुपिंग डेटा का यूज़ करते हैं। ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को एक ही ग्रुप में ले लेना। जैसे एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझाता हूँ, मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ बच्चों के जो है मार्क्स पूछे गए हैं कि बताओ बेटा तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तो किसी ने बोला 24, एक ने 17, एक ने 10, 5, 8, इस तरह से बच्चों ने अपने मार्क्स बताए। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैं इसलिए क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुपिंग डेटा का यूज़ करूँगा। ग्रुपिंग डेटा मतलब एक ग्रुप बना दूंगा। जैसे कि देखो, मैं अगर यहाँ पे ग्रुप बनाऊँ कि 0 से लेकर 10 तक, फिर बनाऊँ 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40, तो देखते हैं कैसे। ऐसे यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो कि 0 से 10 के बीच मार्क्स ला रहे हैं, तो 0 से 10 के बीच एक बच्चा ही है, केवल दो बच्चे ही हैं जो कि इस ग्रुप में आ रहे हैं। अच्छा, 10 से और 20 के बीच में कितने बच्चे हैं जो कि 10 से 20 के बीच में कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे 5 लोग ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, 10 से और 20 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं। अच्छा, 20 से और 30 के बीच में कितने लोग मार्क्स ला रहे हैं, तो 1, 2, 3, 3 लोग हैं जो कि 20 से और 30 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं। अच्छा, 30 से और 40 के बीच में कितने लोग हैं जो कि मार्क्स ला रहे हैं, तो 30 से लेकर और 40 के बीच में हैं, एक ही हो गया 30 वाला और एक 35 हो गया 2। तो देखो यहाँ पे जो ये सारे बच्चे आ रहे हैं, ये कितने बच्चे आ रहे हैं, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो टोटल 12 बच्चे हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 12 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो केवल 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग डेटा, ग्रुपिंग डेटा। और क्लास इंटरवल क्या चीज़ होती है, क्लास इंटरवल इसे बोलते हैं। देखो ये है जो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वो कितने कितने का गैप है, इसमें से इसको माइनस करो 10, इसमें से इसको माइनस करो 10, तो ये सब जो क्लास इंटरवल है वो क्या आ रहा है, 10, 10, 10 आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। और ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप में एक रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको ग्रुपिंग डेटा कहते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने एक सिक्का लिया और उसको जो है उछाला, तो अब बताओ वो जब वो ज़मीन पे गिरेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो आने की जो संभावनाएँ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आपने डाइस देखा होगा जिसको आप लूडो में यूज़ करते हैं, उसमें जो है क्या होता है,
एक होता है, दो होता है, तीन होता है, इस तरह से सिक्स तक होता है। तो जैसे हम उसको रोल करते हैं और नीचे फेंकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, ये सब पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो जो ये पॉसिबिलिटीज आने की जो चांसेस हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला और मैं चाहता हूँ कि हेड आए, तो हेड तो सिर्फ केवल सिक्के में वन है ना, पर आ कितने आ सकते हैं? हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। जैसे कि मैंने एक सिक्का उछाला और मैं ये चाहता हूँ कि हेड आए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो हम खुद चाहते हैं कि हम वो सब आए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब वन, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, वैसे टोटल आउटकम आ कितने सकते हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दो चांसेस ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं। तो ये किसी भी सिक्के की ये पॉसिबिलिटीज या फिर प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं डाइस की बात कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सिक्स आए, लूडो में हम चाहते हैं कि हम सिक्स आए, तो लूडो में जो सिक्स होता है वो कितनी बार लिखा होता है? केवल एक ही बार तो लिखा होता है, तो वन। वैसे जो हम फेंकें जब उसे, तो क्या जरूर थोड़ा सिक्स आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है, तो कितने चांसेस हैं? सिक्स। तो ये किसी भी डाइस की प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जरा एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब मैं अगर कहूँ कि मैं बिना देखे इसमें एक उंगली लगाना चाहता हूँ, ऐसे बिना देखे उंगली लगाना चाहता हूँ, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर इवन नंबर हो? अब सोचिए जरा इसमें इवन नंबर कौन कौन है? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो कितने नंबर हैं जो कि इवन है? तो फोर नंबर इवन के हैं, और वैसे टोटल हैं कितने नंबर? एट। तो फोर अपॉन एट, या फिर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँ तो वन बाई टू, इसकी क्या होगी? एक प्रॉबिलिटी होगी। अगर मैं कहूँ कि बिना देखे मैं एक नंबर छूना चाहूँ और ये नंबर प्राइम नंबर हो, तो उसकी क्या प्रॉबिलिटी होगी? अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें, एक टू है, एक थ्री है, एक फाइव है, एक सेवन है, तो कितने कितने नंबर हैं? टू थ्री फाइव और सेवन, ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर जो है वो है फोर, और वैसे टोटल कितने नंबर हैं वो? एट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फोर बाई एट, या फिर वन बाई टू अगर रिड्यूस करना चाहें। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो हम मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है तुम्हारी 5.1, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक इन टॉपिक पे सोचिए और इन पे काम कीजिए, ठीक है? थैंक यू क्लास।